पेंशन फंड के ब्याज का हो रहा है बंटवारा। अब आपको अपने पीएफ का इंटरेस्ट दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। क्या है इसका मतलब? कोरोना के चपेट में केवल मेरी और आपकी इनकम नहीं आई है, पूरे देश की इनकम घटी है। ऐसे में प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफओ ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो लोगों के पीएफ का ब्याज एक साथ नहीं दे पाएगी, बल्कि दो इंस्टॉलमेंट में चुकाएगी। फिनेंशियल ईयर 2019-20 के पीएफ पर आपको 8.5% का ब्याज मिलना है। इसे ईपीएफओ डिवाइड करेगा और पहले आपको ब्याज का 8.15% चुकाया जाएगा और बाकी बचे 0.35% को दिसंबर में दिया जाएगा, वो भी पीएफओ की बैठक होगी और उसके बाद। तो 6 करोड़ सब्सक्राइबर इस बार 2 किस्तों में अपना इंटरेस्ट ले रहे होंगे। ये पहली बार हो रहा है, इस फॉर्मूले को पहली बार आजमाया जा रहा है। वैसे अभी वित्त मंत्रालय से इसे मंजूरी मिलनी बाकी है। तो पिछले साल यानी कि 2018-19 में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज मिला था 8.65% का, जो कि 2019-20 के लिए घटा है और इसे 8.5% कर दिया गया था। यानी कि ये 7 साल का लो है। 7 साल में 8.5% के लेवल्स हमने पीएफ के इंटरेस्ट में नहीं देखे थे, लेकिन 7 साल के इस लो को भूल जाइए, अभी तो हम ताक रहे हैं 42 साल के लो लेवल्स पर। अगर ईपीएफओ चूक जाती है दिसंबर में जो वादा कर रही है इंटरेस्ट की, जिस इंस्टॉलमेंट को देने की, यानी कि 0.35% के इंटरेस्ट को देने से चूकती है, तो आपके हाथ में कितना इंटरेस्ट आएगा? 8.15% का। और ये लेवल्स जो है 1977-78 के बाद जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पीएफ के ब्याज को इतना नीचे आते हुए देख रहे होंगे। 1977-78 में पीएफ पर ब्याज मिला था 8% और उसके बाद कभी भी इतना नीचे नहीं आया था, हमेशा 8.15 से ज्यादा का ही इंटरेस्ट लोगों को मिलता आया है। लेकिन इस बार क्या ऐसी नौबत आ सकती है? ब्याज का जो हिस्सा बाद में दिया जा रहा है वो इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को बेचकर उसमें मिलने वाले रिटर्न से इसको चुकाया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाजार जिस तरह की उठापटक दिखा रहा है, ऐसे में सभी के रिटर्न गिरे हैं और ईपीएफओ को भी धक्का लगा है। अभी ईपीएफओ 58,000 करोड़ का भुगतान करेगा, 2700 करोड़ का भुगतान बाद में दिया जाएगा। ईपीएफओ को 1,00,000 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न मिला है, -8.3% का रिटर्न मिला है, जबकि उम्मीद थी कि 3,000 से लेकर 4,000 करोड़ की कमाई होगी, तो फायदे की जगह हो गया है नुकसान। पहले इरादा यही था कि ईटीएफ को बेचकर 8.5% की जो इंटरेस्ट कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन बाजार की उठापटक, नेगेटिव रिटर्न, इन सब के बीच में अभी ईटीएफ को बेचने का मतलब था घाटे का सौदा। इसलिए ये फैसला लिया गया कि अभी इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा देंगे और दिसंबर में एक बैठक होगी, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आगे का जो डिसबर्समेंट है 0.35% का ब्याज जो बचा रह जाएगा उसे कैसे दिया जाए, कब तक दिया जाए। अभी तक ब्याज में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो अब साफ हो गया कि अब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन पूरा नहीं, उसका एक हिस्सा, केवल 8.15% का ही ब्याज अभी आपको ईपीएफओ देगा। ईपीएफओ की प्रेस रिलीज में लिखा है कि जो बाकी बचे 0.35% का ब्याज है उस पर दिसंबर में बैठक होगी और सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन, यानी कि रिडेम्पशन जैसे होगा और जो रिटर्न होगी उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो एक सवाल उठता है कि क्या इस 0.35% के ब्याज पर आगे जाकर गाज गिर सकती है अगर मार्केट का हाल यही रहा। इस पर ईपीएफओ के बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय का कहना है कि 8.5% इंटरेस्ट का जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। बाजार की उठापटक की वजह से ऐसे हालात बने, साथ ही पे ये भी ध्यान रहे कि असाधारण परिस्थितियां हैं और इसीलिए इंटरेस्ट को इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है। पीएफ धारकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पूरा इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएफ धारकों को इस तरह से इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिलना अच्छी खबर नहीं लग सकती है। एक इंतजार भी तो अब उनका लंबा हो गया, अभी तो कुछ ही हिस्सा मिलेगा।
लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि कम से कम 8.5% का कमिटमेंट तो पूरा किया जा रहा है, अभी तक तो यही कहा जा रहा है, अभी इसे घटाया नहीं गया है। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी का कहना है कि पीएफ धारकों को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का फर्क पड़ता है, बुरे साल में कम रिटर्न मिलता है, अच्छे साल में अच्छा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो ही जाता है। ऑप्टिमा मनी मैनेजर के पंकज मठपाल सिल्वर लाइनिंग देखने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है या फिर बैंकों में मिलने वाला जो ब्याज है उसके मुकाबले पीएफ में 8.5% का ब्याज सबसे ज्यादा ब्याज है, और ऐसे में रुक कर ही सही, कम से कम ये ब्याज आपको मिल तो रहा है। उनका कहना है कि हो सकता है दिसंबर में 0.35% नहीं मिले, टाइम लग सकता है, आपको देरी से मिले, लेकिन ब्याज पूरा मिलेगा। चलिए, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सबका हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ही है, जब हम और आप कोई लोन लेते हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में पे करने की सहूलियत मिलती है? क्या नहीं मिलती? लेकिन पीएफ पर हमें अब इसी बात पर सेटल करना होगा कि इंटरेस्ट आपको इंस्टॉलमेंट में ही मिलने वाली है, बस यही शुक्र मनाइए कि मिल जाए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।